पीलीभीत में नहीं रुक रहा गौकशी का धंधा। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर विख्यात हैं, उनके राज्य में खुलेआम उत्तर प्रदेश में गौकशी का धंधा जोरों पर चल रहा है। स्थानीय प्रशासन व पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम थाने के 3 किलोमीटर दूर पर सड़क के किनारे कसाईयों द्वारा गन्ने के खेत में गौवंशीय पशुओं को काट दिया गया। मामला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम नावदा महेश का है, जहां गन्ने के खेत में कसाईयों के द्वारा गौवंशीय पशुओं को काटकर मांस बिक्री हेतु कट्टों में भरकर रखा गया था। जहां ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मारुति 800 कार में बैठे कुछ लोग मांस के 2 कट्टे भरकर बीसलपुर की तरफ भाग निकले। सूचना मिली थी कि सुबह जो है कहीं पर गौकशी की हुई है, नवादा महेश के रकबे में लगभग 4 कट्टे मीट मिला है, उसका एक किसी गौवंशीय पशु का अवशेष मिले हैं, उसका वेटनरी डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट है। अज्ञात के खिलाफ 358 CSI का मुकदमा पंजीकृत कर दिया। आगे की कार्रवाई जो है जैसे ही कोई प्रकाश में आएगा उसको लेकर गिरफ्तारी करके आगे भेजना संपादित किया। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।